हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही अच्छे तरीकों से आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी चल रहा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक यूजफुल कंटेंट भी तो मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखने हो क्या वाले हैं, सिंस का यूज करना सीखेंगे, फॉर का यूज करना सीखेंगे, वेन का, वाइल का, यूज्ड टू का और वुड का, इन सभी का। ये इनमें से दो क्वेश्चन जो है हम लोग का आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ही क्वेश्चन के बी में यही सब चीज रहता है। तो आप लोग अब अंदाजी नहीं मारोगे, तुक्का वाले काम नहीं होगा। अब हम लोग इसका मैं क्या ट्रिक बता देता हूँ, बेसिक सा ट्रिक, जिससे आप लोग का गलती से भी गलती ना हो यूज करने में इन सभी को, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन जो है बन सकता है। इन दोनों एक साथ रहता है, सिंस का यूज करना है, वेन या वाइल का यूज करना है, यूज्ड टू या यूज्ड टू का। इसे तीन दिया है तो तीनों में से कोई दो आ सकता है। तो इसका बेसिक फंडा समझ लो कि हम लोग को सिंस और फॉर का यूज कब करना है। क्वेश्चंस कम है, मैं बाकी क्वेश्चंस को आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से जितना जल्दी हो सके आपको चीजें जो है समझाने का कोशिश की। तो आप लोग याद रखना, सिंस का यूज कब करते हैं, निश्चित समय के लिए। ठीक है, सब लोग यही बोलते हैं निश्चित समय, निश्चित समय। तो समझाओ, मैं समझाता हूँ भाई, निश्चित समय किसको बोलेंगे, एकदम फिक्स टाइम। जैसे कि 2 बजे बोल दिया है ना, तो 2 बजे आना बोल दूंगा तो आप लोग 2 ही बजे आओगे ना, 3 बजे तो नहीं, 2 बजे मतलब फिक्स है। 2020 बोल दूंगा तो आप लोग 2020 में ही आओगे ना। अप्रैल बोल दिया तो आप लोग अप्रैल में ही आओगे। ठीक है, आ रहे हैं आप लोग को समझ, क्या बोलना क्या चाह रहा हूं मैं। 2 बजे 2020 अप्रैल, और क्या यहीं पर मैं 2 घंटे बोल दिया था, 2 आवर। 24 घंटे में कौन से 2 घंटा फिक्स हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना भाई। तो आप लोग को समझो, अगर फिक्स इस टाइप से रहा तभी आप लोग किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है मंडे भी तो बोल सकते हैं, मंडे बोलेंगे तब मंडे के ही आओगे ना आप लोग क्लास। इसी तरीके से एकदम अगर फिक्स टाइम रहा तब हम लोग किसका यूज करेंगे, सेंस का यूज करेंगे। जैसे कि इन दोनों क्वेश्चंस में देख लो किसमें सेंस का यूज होगा। देखो इसमें मॉर्निंग लिखा है, मतलब एकदम मॉर्निंग बोलूंगा तो आप लोग मॉर्निंग में ही आओगे, है ना। तो ये यहां पर क्या यूज होगा, सेंस का यूज होगा। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग इन सभी चीजों को, मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप लोग को खुद से नोट बनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब बात कर लेते फॉर का यूज का। फॉर का यूज आप लोग को अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, किसके लिए, अनिश्चित समय, याद रखेंगे इसको, नोट कर लेंगे आप लोग, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय किसको बोलेंगे, अब भाई फिक्स नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोग याद रखना, यदि संख्या के साथ, लिख लो चाहो तो आप लोग, यदि संख्या के साथ समय है ना, वो घंटे भी हो सकता है, बजे के छोड़ना, बजे बस ट्रिक उसमें फॉलो नहीं होता। ठीक है, दिन, जैसे कि 2 दिन है ना, 2 घंटे, 2 साल, 2 महीना, ऐसा कुछ भी रहेगा अगर संख्या के साथ, बजे वालों को बस छोड़ोगे ना, बाकी अगर संख्या के साथ कुछ भी ऐसा रहता है, 2 साल, 2 साल बोल दे, मैं बोलूंगा कि 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा 2 साल, इतना 2 साल में है ना, फिक्स नहीं है टाइम, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अब कभी भी गलती मत करना भाई, देखो यहाँ पर 2 आवर लिखा है, मतलब क्या का यूज होगा, फॉर का यूज होगा। अभी जा करके वीडियो के बाद से तुरंत जितने भी क्वेश्चन से सभी का प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, ठीक। और वेन और वाइल का यूज, ठीक है, वेन और वाइल का यूज को समझो, मैं ऐसा करता हूँ उसको समझ गए होंगे, इसको भी वेन का यूज और वाइल का यूज कब करना है। ठीक है, मैं हिंदी मतलब नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम का टाइम है, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। वेन का यूज कब करते हैं, देखो दो के बीच में होगा अगर, और इसको देखो, अगर दोनों काम एक साथ कंटिन्यू चल रहा है, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तब हम लोग वाइल का यूज करेंगे। दोनों काम चल रहा है दोनों साइड का, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं तुम पढ़ रहे हो, है ना, मैं खाना खा रहा हूं जबकि तुम पढ़ रहे हो, ऐसा होगा ना, मैं लिख रहा हूं जबकि तुम घूम रहे हो, दोनों काम एक साथ हो रहा है, तब हम लोग वाइल का यूज करेंगे। क्लियर, और वेन का यूज कब करेंगे, जब एक काम हो गया हो, मान के चलो एक काम हो रहा है और एक काम होने वाला है, ठीक है, उसमें एक ही काम होगा, दोनों काम कभी नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो देखो इसमें समझो मैं जो बोला हूं उसको, देखो सी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही है, ठीक है, वह खाना बना रहे, आई वॉज फिनिशिंग होमवर्क, वो खाना बना रहे और मैं होमवर्क फिनिश कर रहा हूं, तो देखो दोनों काम एक साथ हो रहा है, या तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाइल आ जाएगा। क्लियर, अब इसमें देखो आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, कब, ही रिटर्न,
मैं बाहर तो जाऊंगा, काम तो करूंगा, लेकिन वो जब आ जाएगा तब, मतलब एक काम होगा तभी, अगर वो वापस आएगा तभी ये जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन में वैन का यूज होगा, याद रखेंगे। अगर दोनों काम एक साथ हो रहा हो तब वाइल, और एक एक काम अलग अलग हो रहा है मतलब वहां पर वैन का यूज करेंगे। क्लियर है? टिक। अब यूज्ड टू और वुड टू का यूज सीख लो भाई बहुत आसानी से। यूज्ड टू को हम लोग पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, अगर टेंस आपको आता होगा करना पहचानना तब इजीली कर लेंगे। वुड को हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं जनरली, पहचान है ये, ठीक है, समझो इसको। पास्ट टेंस मतलब अगर वो काम पुराना बात हो, जैसे कि हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे, है ना, तब घूमते थे, जब मैं बाजार जाया करता था समोसा खाता था, है ना, जब मैं बाजार जाया करता था समोसा खाया था, है ना, जब मैं छोटा था साइकिल चलाता था। इस कंडीशन में हम लोग यूज्ड टू को यूज करेंगे। देखो इसमें व्हेन आई वाज लिव इन रायपुर, जब मैं रायपुर में रहता था आई प्ले हॉकी। अब ये क्या पास्ट टेंस जब हो गया है तो वहां पर आई यूज्ड होगा, ठीक है, आई यूज्ड टू, मैं क्रिकेट खेला, हॉकी खेला करता था, ठीक है। व्हेन आई वाज चाइल्ड, अब लोग इसको देखो, व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं जब छोटा था या मैं बचपन में, क्या होगा, यहां पर भी यूज्ड यूज होगा क्योंकि ये फ्यूचर पास्ट की बात कर रहा है, इसमें भी ये पास्ट की बात कर रहा था। आई ब्लैंक बिकम कृष्णा ड्यूरिंग जन्माष्टमी एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर। क्या तो इसमें तो कहीं पर भी पास्ट टेंस का हम लोगों को पता नहीं चल रहा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वुड का यूज होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इन चीजों को आप लोग प्रैक्टिस और भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में आपको सभी चीज का प्रैक्टिस कराना पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस आप लोग करिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को एक बार और देख लो कि आप लोग का इसमें से जो नंबर, एक एक नंबर वैल्यूएबल होता है बोर्ड एग्जाम में, इतना तो आप लोग जानते हो, है ना। इसलिए अच्छे से स्कोर करना है तो इन चीजों को करो। सभी का यूजेस हो गया था, यही बस बाकी था, इसलिए इसको करा दिया गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि मेरी मेहनत के लिए आप लोग सिर्फ मुझे लाइक दे सकते हैं, है ना, तो वो काम तो एटलीस्ट कीजिए। शेयर करना है तो कर दीजिए, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।